देश के इतिहास में दर्ज कुछ बेमिसाल खिलाड़ियों के जीवन पर बॉलीवुड में कमाल की मूवीज बनी है, जिनको देखने के बाद पूरी बॉडी में जुनून जाग जाता है और टॉप लेवल की मोटिवेशन मिलती है। खेल और उसे खेलने वाला चाहे कोई भी हो, अगर वो इंडिया को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करे तो उस खेल और उस खिलाड़ी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। जैसे इंडिया में क्रिकेट, जिसे खेला या देखा नहीं जाता बल्कि एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। कोई स्पोर्ट किसी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये इस देश की जनता ने प्रूव किया है, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्रिकेट के साथ साथ बॉक्सिंग, रेसलिंग, हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन जैसे और भी स्पोर्ट्स को इंडिया में लोग खेलने के साथ साथ सेलिब्रेट भी करते हैं। इन सब की बायोग्राफी मूवीज देखकर एक चीज तो मुझे पक्का समझ में आ गई कि सपने देखना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है उन्हें पूरा करना। और आज की मूवी लिस्ट में शामिल है टॉप 10 बॉलीवुड स्पोर्ट्स बायोग्राफी मूवीज। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, साइना। इस मूवी ने साबित किया है कि देश के हर घर में एक साइना नेहवाल हो सकती है, इंडिया की फर्स्ट फीमेल बैडमिंटन प्लेयर जिसने वर्ल्ड नंबर 1 जीता। साइना की लाइफ पर बनी ये मूवी काफी है आपको एक सही रास्ता चुनने और उस पर डटे रहने के लिए इंस्पायर करने के लिए। कुछ पेरेंट्स क्या क्या कर जाते हैं अपने बच्चों के लिए, इसका जवाब आपको ये मूवी देगी। साइना का कैरेक्टर परिणीति चोपड़ा ने प्ले किया है और मानना पड़ेगा इस रोल को उसने बड़े ही परफेक्शन के साथ प्ले किया है। साइना की तरह फिजिकली दिखने और खेलने के लिए परिणीति की मेहनत और डेडिकेशन क्लियरली मूवी में दिखती है। बस ये मूवी थिएटर की जगह पहले किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई होती तो फाइनेंशियली भी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। मूवी काफी इंस्पायरिंग है और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 9, सचिन ए बिलियन ड्रीम्स। बेहतर होता अगर इस मूवी का नाम सचिन द गॉड ऑफ क्रिकेट होता। जब इंडिया ने 83 का वर्ल्ड कप जीता था तब 2011 के वर्ल्ड कप को जीतना ऑलरेडी तय हो चुका था, क्योंकि उस दिन सचिन तेंदुलकर ने तय किया था कि वो इंडिया के लिए सेकंड वर्ल्ड कप जीतेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी को सचिन खुद नरेट करते हैं। इस 2 घंटे की मूवी ने क्रिकेट की सही डेफिनेशन हमारे सामने रखी। क्रिकेट जो देश को एकजुट करता है, उसके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यानी सचिन तेंदुलकर की लाइफ को ये मूवी एक मोटिवेशनल वे में प्रेजेंट करती है। मूवी सचिन के क्रिकेटर बनने के डिसीजन से लेकर उसे भारत रत्न मिलने तक के सफर को दिखाती है। इस जर्नी में सचिन की लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आए थे उनको बारीकी से बताया गया है। आई लिटरली क्राइड जब मूवी के एंड में सचिन अपनी फेयरवेल स्पीच देते हैं। इस मूवी को आप सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं। नंबर 8, मेरी कॉम। तुम्हारे सपने में ये जो बॉक्सिंग का शब्द है ना, ये निकाल के छोड़ूंगा। कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। 6 बार वर्ल्ड अमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जीतना कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अर्जुन अवार्ड जैसे 15 और अवार्ड हासिल करने वाली मेरी कॉम की बायोपिक मूवी एक बार जरूर देखिएगा। प्रियंका चोपड़ा से बेहतर शायद ही कोई इस रोल को कर पाता। मैं बस इतना कहूंगा कि मेरी कॉम की अचीवमेंट इतनी है कि उसको याद रख पाना मुश्किल है और उसका स्ट्रगल इतना पेनफुल है कि उसे भूल पाना मुश्किल है। अगर कोई इंस्पायर होना चाहता है तो इस मूवी को जरूर देखें, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तुम बॉक्सर है? अभी तक तो सिर्फ फाइटर है, लेकिन अगर तुम सिखाएगा तो बॉक्सर भी बन जाएगा। नंबर 7, सांड की आंख। एक बात बताता है, के खाओ तुम दोनों, निशाना बिल्कुल सीधा लगाओ। गाली। दो दादियां जिन्होंने रचा इतिहास अपने हिडन टैलेंट से। शार्प शूटिंग चैंपियनशिप जोड़ी चंद्र और प्रकाशी की लाइफ पर आधारित इस मूवी ने देश के सामने एक ऐसी कहानी पेश की जिसे देखकर जवान से लेकर बूढ़ा कोई भी इंस्पायर हो सकता है। तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर ने अपनी एक्टिंग से दोनों चैंपियंस के कैरेक्टर्स को जस्टिफाई किया है। इंडिया को एक नई सोच की जरूरत है और ये मूवी इस सोच का एक हिस्सा है। स्पोर्ट के साथ साथ ये मूवी महिलाओं की सोशल लाइफ को भी पॉइंट आउट करती है, जहां हमें पता चलता है कि देश में ऐसे गांव और कस्बे हैं जहां आज भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। कोई 60 साल की उम्र में भी ऐसी अनबिलीवेबल अचीवमेंट हासिल कर सकता है, ये आपको ये मूवी देखकर पता चलेगा, जो Zee5 पर अवेलेबल है। नंबर 6, सूरमा। तेरी पैर। तू विक्रम का प्राय है ना? हाँ जी, विक्रम का ही हूँ जी, अपना मत बना लेना। दिलजीत दोसंझ। जैसा नाम वैसा काम, अपनी एक्टिंग से हमेशा दिल जीत लेते हैं। ये मूवी बास्ट है प्रोफेशनल फील्ड हॉकी प्लेयर संदीप सिंह की लाइफ पर। मूवी फर्स्ट हाफ में जितना आपको हंसाती है उतना ही सेकंड हाफ में रुलाती भी है, साथ ही बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करती है। लव के लिए इंसान इनसेन हो सकता है, ये सुना था, बट इस मूवी में देखा है और समझा है। मूवी फुल पावर पैक है और जरा सा भी बोर नहीं करती है, जिसका एक रीजन है दिलजीत दोसंझ और तापसी पन्नू की बेमिसाल परफॉर्मेंस। संदीप सिंह जैसे हिडन टैलेंट को जब मूवीज के जरिए प्रेजेंट किया जाता है तब सच में बहुत प्राउड फील होता है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 5, 83। मजाक की भी हद होती है। स्कोर क्या है? 9 रन, 4 विकेट डाउन। इंडिया की आजादी के 36 साल बाद जब इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता तब पूरे देश में एक लहर जाग उठी थी, जिसका असर आज भी देश के हर बच्चे और नौजवानों में दिखता है।
किसे पता था कि उस दिन के बाद क्रिकेट देश की धड़कन बन जाएगा। सबको पता है कि 83 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, लेकिन कैसे यह आपको इस मूवी को देखने के बाद पता चलने वाला है। 83 मूवी हमें ले जाती है देश की वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल जर्नी पर, जिसमें जुनून और देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। सच में यार, इस मूवी को देखने के बाद आई फील वेरी प्राउड। इस तरह की और मूवीज बनती रहनी चाहिए। इस मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। नंबर 4, दंगल। पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें। हमारी चोरियां चोरों से कम है के। कुश्ती, भारत देश का सबसे पुराना खेल जिसे मर्दों का खेल मानते थे। मर्द की डेफिनेशन बदल गई जब हरियाणा की दो लड़कियों ने इस खेल को वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेला। दंगल मूवी सच में एक ऐसी मूवी साबित हुई जिसने वुमेन्स रेसलिंग के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट पर भी लोगों में अवेयरनेस फैलाई। महावीर सिंह फोगट जैसे महान पिता ने खुद अपने दम पर अपनी बेटियों को इस लायक बनाया कि एक दिन वो अपना अधूरा सपना पूरा कर सके, और ये भी साबित किया कि अंतर तो सिर्फ सोच का है, बाकी चोरियां चोरों से कम नहीं होती। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 3, भाग मिल्खा भाग। ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। पहली मूवी जिसने बॉलीवुड में बायोपिक के ट्रेंड को शुरू किया। फरहान अख्तर की द बेस्ट एक्टिंग और राकेश ओम प्रकाश मेहरा की डायरेक्शन स्टाइल ने इतनी एनर्जी भर दी इस मूवी में कि आज भी अगर इस मूवी को रिविजिट करते हैं तो वही फीलिंग आती है जो पहली बार देखने पर आई थी। सर मिल्खा सिंह की लाइफ को लोग कभी इतना याद नहीं रख पाते अगर ये मूवी नहीं बनी होती। थैंक्स टू द मेकर्स। बहुत इंस्पायरिंग है ये कहानी, कैसे उस जमाने में इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली इंडिया को। ये जब सोचते हैं तब बहुत प्राउड फील होता है। दुनिया जिसे द फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है वो हमेशा याद किए जाएंगे जब भी आप ये मूवी देखेंगे। ये मूवी भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। नंबर 2, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। माही, कैप्टन कूर और छला, इतने नाम उसी को मिलते हैं जिसके लिए लोगों के मन में रिस्पेक्ट और लव होता है। महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ पर बनी ये मूवी धोनी की एक अनटोल्ड स्टोरी भी है जिसे हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। माही ने प्रूव किया है कि जब किसी की लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा होता है फिर भी वो हार बिल्कुल नहीं मानता है, असल में वही असली हीरो होता है। एक इंस्पायरिंग क्रिकेटर से टीसी और टीसी से इंडियन क्रिकेट टीम का सफर कितना आसान और कितना मुश्किल था, इसके लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। वन, कौन प्रवीण तांबे। देख मेरा जवाब तुझे पता है, मैं खाली फॉर्मेलिटी के लिए चलूंगा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओरिएंट में वहां क्या करते हैं? बोलिंग, बैटिंग भी कर लेता हूं। स्ट्रगल से हारे हुए लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थेरेपी है ये मूवी। अगर आपका सपना बड़ा हो तो प्रॉब्लम्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ये प्रवीण तांबे ने प्रूव किया है। प्रवीण तांबे की लाइफ पर आज मूवी बन चुकी है, लेकिन 40 साल की उम्र तक वो मेरे और आपके जैसे एक आम इंसान थे जिसने इतने साल वेट किया एक ऐसे मौके का जो लाखों में से एक को मिलता है। बचपन से लेकर फैमिली मैन बन जाने तक भी अगर आपका सपना पूरा नहीं होता है लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत में 1% भी गिरावट नहीं होती है, तब समझ लीजिए एक दिन या तो आप पागल होने वाले हैं या फिर कामयाब। बात करें मूवी की तो श्रेयस तलपड़े की परफॉर्मेंस मूवी में जान डालती है। उनकी इस रोल के लिए डेडिकेशन उनकी आंखों में साफ साफ दिख जाती है जब भी वो डायलॉग बोलते हैं। प्रवीण तांबे की लाइफ के कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको इस मूवी में जानने को मिलेंगे कि लिटरली एक मोमेंट पर आप रो दोगे। वॉच दिस मूवी टू सी द रियल स्ट्रगल। इस मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे। मेरी पूरी कोशिश रही कि इन मूवीज और इनके रियल हीरोज के बारे में जितना हो सके उतना आपको बता पाऊं, बट मेरा ओपिनियन काफी नहीं है लेकिन आपका है। कमेंट के जरिए जरूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।